फिर वो लोग बस से उतरने के बाद काफी दूर पैदल चलते हैं। सरिता, शिकारगढ़ी बस 2 किलोमीटर रह गया है। देखो वहां कोई आदमी नजर आ रहा है, चलो उसी से पूछ लेते हैं। अरे सुनो बाबा, अरे बाबा सुनो तो सही, सुनो बाबा। कौन है? अरे बाबा, हम तो कब से आपको आवाज दे रहे हैं। अरे बेटा, मुझे जरा कम सुनाई देता है। क्यों, क्या हुआ कहो। बाबा, हम ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे हैं। इतने सुनसान रास्ते पर तुम लोग आए कैसे? बाबा, हमारी बस खराब हो गई, हमें शिकारगढ़ ही पहुंचना है। ड्राइवर ने तो कहा था हमें थोड़ी आगे जाकर ऑटो मिल जाएगा, पर यहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। बाबा, यहाँ ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगा? लगता है मुसाफिर हो, मुसाफिर आज है कल नहीं। क्या कहा बाबा? अरे कुछ नहीं बेटा, मुझे तो आदत है अपने आप से बात करने की। बेटा, यहाँ से तो कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं मिलेगा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ एक छोटे रास्ते से चल सकते हो। अगर कोई वहां से आने जाने वाला गुजरा तो उसके साथ बैठकर शिकारगढ़ी पहुंच जाएंगे। अशोक, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बस में ही चलते हैं, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब चलते रहो पैदल। ठीक है बाबा, हम आपके साथ उस छोटे रास्ते से ही चलते हैं। क्यों सरिता? हाँ ठीक है। आगे चलकर अशोक और सरिता के साथ अजीब अजीब चीजें होती हैं। कभी पंछियों की आवाज सुनाई देती है, तो कभी नींबू का पैर के नीचे आ जाना। दोनों काफी घबरा जाते हैं। तो शिकारगढ़ी में तुम्हारा कौन रहता है? बाबा, मेरी माँ का घर है यहाँ। लगता है बहुत दिनों बाद आए हो, कुछ सुना नहीं है यहाँ के बारे में। अजीब अजीब हादसे हुए हैं साहब, मुसाफिर आते तो हैं शिकार करने और खुद ही किसी का शिकार बन जाते हैं। आप अकेले सफर कर रहे हो, डर नहीं लगता बाबा? पहले लगता था, पर अब नहीं लगता। बूढ़ा ही तो हूं बेटा, मौत भी आई तो क्या, सांसें गिनकर ही तो मिली हैं सबको। अशोक, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हम कहां आकर फंस गए? यहां तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अरे सरिता, बाबा कहां गए? ए, अभी तो यहीं थे। अशोक और सरिता को अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है, पर जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी अचानक बाबा की आवाज आती है। अरे बेटा, रुक क्यों गए, चलो। बाबा, हम तो आपको आवाज दे रहे थे, पर आप तो अभी यहाँ नहीं थे। अरे मुझे ऐसा लगा जैसे उधर कोई है, तो मैं वहां देखने चला गया। बाबा, हमें भी लगा कि वहां पीछे कोई है। तभी उन्हें एक ऑटो रिक्शा आते हुए दिखाई देता है। कहाँ जाओगे, जल्दी बोलो। हमें शिकारगढ़ी पर उतार देना भैया। चलो बाबा, चलते हैं। मैं आपको गांव तक तो नहीं ले जा पाऊंगा, थोड़ा सा पहले ही उतरना पड़ेगा, वहां से एक छोटा रास्ता जाता है, आप लोग वहां से चले जाना। चलिए भाई साहब, उतरिए।
आप इसी रास्ते पर जाएंगे तो गांव आ जाएगा। पता नहीं अशोक, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हर मोड़ पर मुसीबत खड़ी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, फंसे भी तो मंजिल पर आकर। जब तक सफर में मुसाफिरों को मुसीबत ही ना हो तो सफर का मजा ही क्या है। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, लगता है मुझे टॉर्च जलानी पड़ेगी। मुसाफिर आने वाले नहीं फिर जाने वाले, मेरा नाम है खोका, मुसाफिरों को देता हूँ धोखा। अरे बस खराब हो गई है, ना जाने इसी जगह आकर ये क्यों खराब हो जाती है। अरे हरीश चलना यार, क्या डर रहा है, यहाँ से तो दोनों पैदल ही निकल जाएंगे। वो देख वहाँ कोई है, उसी से रास्ता पूछ लेते हैं, चलना यार।